अच्छे हो आप सभी लोग। तो देखिए, वन वीडियो वन चैप्टर ऑफ रीजनिंग सीरीज में आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का चैप्टर, देखो पासा यानी डाइस। तो देखिए, आज के वीडियो में पासा यानी डाइस के सभी कॉन्सेप्ट हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें देखो, चाहे आपका देखो जनरल डाइस यानी साधारण पासे के सवाल हों, चाहे देखो आपके स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासे के सवाल हो, और इस साधारण पासे में भी देखो वन सरफेस कॉमन डाइस यानी एक सतह समान डाइस के जो सवाल आते हैं, देखो टू सरफेस कॉमन डाइस यानी ऐसा डाइस जिसकी दो सतह समान हो, या देखो नो सरफेस कॉमन डाइस यानी एक ऐसा पासा जिसकी कोई भी सतह समान नहीं हो। एक आता है देखो इसमें ओपन डाइस यानी एक खुला हुआ पासा। तो ये देखो डाइस की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, ये सारी कॉन्सेप्ट हम आज के एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं देखो आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डाइस यानी जो पासा है वो क्या होता है वो जान लेते हैं। देखो यानी एक डाइस एक ऐसी त्रिआयामी यानी घनाकार, तो एक 3D शेप है जिसकी देखो क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होंगी एक जैसी होती है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पासे में समान होती है। और देखो एक पासे में देखो 12 किनारे 8 कोने और 6 सतह होती हैं, यानी पासा बिल्कुल क्या है एक तरह की घनाकार आकृति है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे उसकी तीन साइड ऊपर की दिखाई देंगी और तीन साइड आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये देखो ये एक पासा है जिसके ऊपर की तीन साइड आपको देखो यहाँ इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे सामने से तीन साइड ही आप दिखा सकते हो, तीन इनके बैक में होंगी, एक का अपोजिट देखो यहाँ नीचे आ जाएगा इधर आ जाएगा। देखो इस तीन का अपोजिट लगभग इधर साइड में आ जाएगा और इस दो का अपोजिट देखो इधर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ अपोजिट इसका इधर बना देता हूँ, देखो अपोजिट को मैं सीधा करके इसका बना देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे एक और ऐसे डायस बना देता हूँ अभी। देखो तो ये देखो मैंने एक और डायस बना दी, और देखो इस वाले डायस में मैं इसके अपोजिट वाली साइड को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने कहा कि जैसे देखो एक का अपोजिट मैंने इधर 6 लिख दिया है, देखो यहाँ देखो जो दो का अपोजिट है वो 5 मैंने इधर लिख लिया है, देखो तीन का अपोजिट देखो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया है। तो ये देखो यहाँ पे इनकी जो तीन अपोजिट साइड थी जो बैक वाली वो मैंने इधर सामने बना दी है। तो अब देखो या तो ये इसका अपोजिट कह सकते हो या इसका अपोजिट इसको कह सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे दिया है पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस यानी एक मानक पासा। तो देखो एक मानक पासा क्या होता है, तो देखो एक मानक पासा एक ऐसा पासा है जिसकी दो विपरीत सतहों का योग सदैव साथ होता है और दो निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होगा। तो देखो मानक पासे में क्या है, देखो यहाँ पे जो मानक पासा है उसमें देखो क्या है, देखो विपरीत सतह, देखो विपरीत सतह का योग है वो क्या होगा साथ होगा, और देखो जो निकटवर्ती यानी जुड़ी हुई, देखो निकटवर्ती यानी जो जुड़ी हुई या इसको हम कह सकते हैं संलग्न, सतहों का योग साथ नहीं होगा इसमें कभी मानक पासा में। तो देखो इसमें ही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एक दिया है यहाँ पे 6 दिया है, तो ये देखो एक और 6 को जोड़ दें तो ये देखो अपोजिट है, ये क्या है विपरीत, विपरीत ही तो बनाया मैंने। देखो इसका विपरीत इस वाले का विपरीत ये वाला यहाँ डैश पे बनाया,
तो देखो एक और छह को जोड़ें विपरीत में, तो देखो एक और छह कितने हो गए, देखो सात। देखो और यहाँ पे देखो इस वाले का विपरीत देखो ये होगा, यानी दो और पांच को जोड़ दें तो सात। अब देखो यहाँ पे जोड़ें तीन और देखो चार को जोड़ दें, तो देखो तीन और चार सात। तो ये देखो क्या एक मानक पासा है, कैसा है मानक पासा है ये। देखो दूसरी कंडीशन क्या है मानक पासा में, कि देखो निकटवर्ती जुड़ी हुई या संलग्न सतह। तो ये देखो निकटवर्ती या जुड़ी हुई या संलग्न कौन सी होती है, तो ये देखो इस दो के साथ में देखो ये एक वाली सतह जुड़ रही है और ये देखो तीन वाली जुड़ रही है। इस तीन के लिए देखो ये दो वाली जुड़ी है एक वाली जुड़ी है, तो इनका योग साथ नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे करो, देखो दो और एक तीन होते हैं, देखो सात नहीं है। देखो एक और तीन का करेंगे, देखो चार होगा सात नहीं है। देखो यहाँ दो और तीन का करेंगे, यहाँ भी सात नहीं है। तो देखो जुड़ी हुई सतहों का योग कभी भी सात नहीं होगा मानक पास से। देखो इनका योग सात नहीं होगा, देखो ये इससे जुड़ा है सात नहीं होगा, देखो ये इससे जुड़ा है इसका योग सात नहीं होगा। तो ये देखो क्या है एक स्टैंडर्ड डायस है, यानी एक मानक पासा है। अब देखो एक सिंपल डायस कैसी होगी, तो देखो मैं यहाँ एक सिंपल डायस भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखो सिंपल डायस में क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे एक ये डायस बनाई, देखो इस तरीके से देखो एक डायस बना दी मैंने, ये वाली डायस बना दी। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने इसमें देखो पांच और यहाँ पे लिखा दो और यहाँ पे लिख दिया मान लिया तीन। तो अब देखो इसका निकटवर्ती देखो पांच का निकटवर्ती दो है, देखो क्या है ये निकटवर्ती, पांच का निकटवर्ती दो और देखो पांच का निकटवर्ती तीन इधर और इसका निकटवर्ती ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मानक पासे में देखो क्या है कि निकटवर्ती जुड़ी हुई या संलग्न सतहों का योग सात नहीं होगा। तो देखो यहाँ तो योग सात हो रहा है ना, देखो इनका योग क्या हो रहा है, देखो पांच और दो का योग कितना होगा, देखो पांच और दो का योग सात होगा। तो ये देखो क्या है आपका एक सिंपल डायस है। तो देखो सिंपल डायस में क्या होता है, देखो तो यहाँ पे देखो एक साधारण पासा, तो देखो हमारे पास में जो एक साधारण पासा होगा इसमें क्या होगा, देखो नंबर एक देखो निकटवर्ती या देखो संलग्न सतहों का योग सात हो तो साधारण पासा होगा। ठीक है, और देखो जब जो विपरीत सतहों का योग हो, देखो मानक पासे में क्या थी कि विपरीत सतहों का योग सात होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। चलिए देखो यहाँ पे बताइए, देखो मैं यहाँ एक पासा लेता हूँ, देखो ये मैंने एक पासा बनाया, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा देखो चार दो एक, बताओ कैसा पासा है ये। देखो तो देखो कहीं सात हो रहा है, देखो चार दो छः, देखो ये इससे जुड़ी है ये इससे जुड़ी है, देखो चार एक पाँच दो एक तीन, तो देखो सात नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, देखो एक मानक पासा है, क्या है मानक पासा है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और डायस बना के आपको दिखा देता हूँ, देखो अच्छे से समझ लो क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसी से आप पहचान पाओगे। तो ये देखो एक डायस मैंने यहाँ बनाई, अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने देखो तीन, यहाँ पे लिख दिया चार और यहाँ पर लिख दिया दो। तो अब देखो जो निकटवर्ती सतह ये वाली, देखो इन दोनों का योग देखो क्या हो गया सात।
अब देखो ये क्या है, देखो 3 और 4 क्या हो गया, 7, तो ये क्या होगा, एक साधारण पासा होगा, ये एक साधारण पासा होगा। तो इस तरीके से देखो हम कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है आसानी से देख पाएंगे। तो फिर चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो ये देखिए, ये रहा देखो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो देखो यहाँ पे दिया है आपको मानक पासे पर आधारित प्रश्न, यानी देखो क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड डाइस। तो यहाँ पे देखो कुछ पासे दिए हैं, देखो इन पे नंबरिंग नहीं है, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, देखो 6 3 2, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो 6 2 4, यहाँ पे देखो मैंने नंबरिंग कर दी, देखो 5 6 4, और यहाँ पे देखो 1 4 2। तो अब देखो क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो दिए गए पासे में 6 के अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 6 का विपरीत बताना है। क्या बताना है, देखो 6 का विपरीत बताना है, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखें कि कैसा डायस है, साधारण डायस है या मानक पासा है। तो देखो यहाँ पे जुड़ी हुई सतह देखो 6 3 9, देखो 6 2 8, देखो 3 2 5, यानी 7 नहीं हो रहा है, देखो 6 2 8, देखो 6 4 10, देखो 4 और 2 6, देखो 7 नहीं हुआ कहीं, देखो 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, देखो कहीं भी 7 नहीं हुआ, देखो देखो 4 1 5 2 1 3, देखो 4 और 2 6, देखो कहीं भी 7 नहीं हुआ। तो ये देखो क्या है हमारे पास में, ये एक मानक पासा है। कैसा है, मानक पासा है। और देखो जब भी आपके पास में मानक पासा होगा तो इसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है, देखो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अब देखो यहाँ पे एक सतह आपको दी है और दूसरी निकालनी है, तो आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 6 का विपरीत बताना है, तो देखो एक सतह 6 दी है, दूसरी मुझको नहीं पता है, मान ली मैंने x है इसके विपरीत, तो दोनों का योग क्या हो गया, 7। अब देखो इस 6 को इधर ले जाओ तो x बराबर क्या आ गया, देखो यहाँ पे देखो 7 माइनस 6 हो गया। तो यानी देखो इसका विपरीत, देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, 1 आ गया। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखो इसको हम कैसे विपरीत निकाल सकते हैं, तो देखो मानक पासे में विपरीत निकालनी हो तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो मानक पासा में विपरीत सतह निकालना, विपरीत सतह निकालना। तो देखो ये 7 में से घटा के निकालते हैं हमेशा, जैसे मैं कहूं देखो 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 1 का विपरीत निकालना है तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा दो, 6 होगा। जैसे मैं कहूं देखो 2 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 7 में से क्या कर दो, जो दिया है वो घटा दो, क्या हो जाएगा, देखो 5। तो देखो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही मैं कहूं देखो 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 3 का विपरीत निकालना है, तो 7 में से 3 घटा दो, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 4 का विपरीत निकालना होता है, तो देखो 4 का विपरीत कैसे करते, 7 माइनस 4 यानी 3 हो जाता। मैं कहता देखो 5 का विपरीत बताओ, तो देखो 5 का विपरीत कैसे निकालते, 7 माइनस 5 करते तो देखो 2 हो जाता। मैं कहता 6 का विपरीत बताओ, तो देखो 6 का विपरीत कैसे आया, तो क्या करते, 7 माइनस 6 करते, 1 हो जाता। तो देखो सारे अपोजिट यहाँ पे निकाल सकते हैं ऐसे, यानी 7 में से माइनस कर दो तो
तो अपोजिट आ जाता है। तो देखो यहाँ तो 6 का पूछा था, तो देखो 6 का अपोजिट 1 आ रहा है, देखो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देखो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, तो देखो मानक पासे में अपोजिट जो है साइड निकालनी होगी, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो चलिए आगे आ जाते हैं, देखो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है पासे में, तो ये देखो सिंपल डायस है, यानी साधारण पासे पर आधारित प्रश्न है यहाँ पे, और वो भी देखो साधारण पासे में भी कैसे हैं, देखो एक सतह समान पासे पर प्रश्न है। तो ये देखो यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया है, इसे हम करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, तो देखो 2, 5, 1, और देखो यहाँ पे कर दिया मैंने देखो 2, 3, 6। तो ये देखो कह रहा है कि जब एक सतह समान हो पासे की, तो देखो जब भी यहाँ पे कोई कॉमन होगी, तो देखो कॉमन क्या है इसमें, एक यहाँ 2, देखो 1, 2 यहाँ पर है। तो ये देखो जब भी सिंपल डायस में या आपका जो है स्टैंडर्ड डायस हो, जब कोई एक कॉमन सतह होती है, तो अपोजिट निकालने के लिए हम उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्या घुमाएंगे? क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएंगे। तो देखो यहाँ 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 पे आएंगे, देखो इसमें भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ से देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 6 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है, ये 2 क्या है, कॉमन है, देखो ये हमारे पास में कॉमन दोनों में। अब देखो यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे आ गए 1, तो देखो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो 1 का विपरीत यहाँ पे, इधर से देख के बताओ, देखो यहाँ 2 से चले तो कहाँ आ गए 6 पे, तो ये देखो 1 का विपरीत यहाँ पे 6 दिया है। अब देखो यहीं से ऐसे ही आगे फिर से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो देखो 1 से क्लॉकवाइज घूमे तो 5 पे आ गए, तो यहाँ देखो 5 का विपरीत, तो यहाँ देखो ऐसे ही 6 से घूमो, तो देखो 6 से घूम के आ गए यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ पे देखो 5 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ क्लॉकवाइज घुमा करके विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, कम से कम एक सतह दोनों में कॉमन होनी चाहिए, यानी कॉमन सतह से हम क्या है क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो कॉमन सतह से, दोनों में क्लॉकवाइज, घूमना है, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अभी देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, देखो 6 के विपरीत, तो देखो 1 का विपरीत 6 है, तो 6 का विपरीत 1 होगा, तो ये हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही हो गया इसके लिए। तो चलिए आगे आ जाते हैं, देखो हम, तो देखो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, देखो 2 सतह समान होने पर, यानी देखो 2 सरफेस कॉमन डाइस, यानी किसी भी जो है पासे की 2 सतह समान हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे नीचे मुझे पासे दिए, और मैं यहाँ पे अभी देखो लिख देता हूँ, देखो नंबरिंग कर दूँ, तो देखो 1, 3, 4, और देखो यहाँ पे कर दी देखो मैंने 4, 3, 5। अब देखो यहाँ पे जब आपको 2 कॉमन दे दी हो सतह, तो देखो क्या करना है, देखो कॉमन से कॉमन काट देना, देखो 3 इसमें 3 इसमें काट दो, 3 से 3, देखो 4 यहाँ पर दिए 4 यहाँ पर दिए, तो काट दो देखो इसको, यानी अगर 2 सतह कॉमन है तो कॉमन से कॉमन को काट दिया हमने, और बाकी क्या बचा, घूमने की भी जरूरत नहीं है अब, तो देखो इधर भी 1 बचा इधर भी 1, तो यहाँ पे देखो 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो
जितनी कॉमन सतह दिए उनको काट दो और बाकी की मैं रोटेट कर लेते हैं हम, तो यहाँ तो एक ही बचा है, रोटेट की हमें जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे पूछा है, देखो एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो देखो एक के विपरीत तो ये आ गया ना 5, तो ये होगा देखो एक के विपरीत 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे दिया है अंक 3 के विपरीत क्या होगा, तो अब देखो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 तो कट गया कॉमन था। अच्छा देखो कॉमन वाले के विपरीत पूछे तो देखो इस तरीके से नहीं निकलेगा, फिर इसके लिए देखो मैं यहाँ भी देखो डायस बना देता हूँ द्वारा से, देखो ये डायस मैं द्वारा से बना लेता हूँ, यहाँ देखो यहाँ बना दी मैंने ये डायस, तो ये देखो ये इस तरीके से था, देखो यहाँ एक था, 3 था, 4 था, देखो 4 3 5। अब देखो यहाँ पे ये देखो कॉमन है और ये देखो दोनों में कॉमन है, अब कॉमन वाले काट दें तो विपरीत तो मिलेगा नहीं हमें, तो इसके लिए देखो क्या करना, पहले ये देखो क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है, तो देखो कहीं भी 7 हो रहे हैं क्या, तो देखो 4 3 7 जुड़ी हुई सतह 7 हो रहे हैं, तो ये कैसा पासा है, देखो एक साधारण पासा है, ये देखो एक साधारण पासा, और देखो साधारण पासे में देखो अपोजिट कौन सी होगी ये तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि रोटेट करके बता सकते थे इसमें, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अपोजिट कौन सी नहीं होगी, तो ये देखो यहाँ पे 6 नंबर होंगे पासे में, 1 2 3 4 5 6, तो देखो हमें यहाँ पे पूछा है 3 का विपरीत, तो देखो 3 का विपरीत 3 तो होगा नहीं कभी, तो 3 काट दो। अब देखो साधारण पासे में हमने क्या पढ़ा था कि देखो संलग्न, संलग्न या जुड़ी हुई, जुड़ी सतह विपरीत नहीं होंगी कभी भी, विपरीत नहीं होती है, ये आपको याद रखना, यानी संलग्न या जुड़ी हुई सतह वो कभी विपरीत नहीं होती। तो देखो 3 से जुड़ा है 4, तो देखो ये 4 इसके विपरीत नहीं होगा, और देखो 3 से इधर जुड़ा है देखो 1, तो ये 1 भी इसके विपरीत नहीं होगा, अब देखो और क्या जुड़ा है, ये 4 तो देखो काट ही दिया, अब देखो 3 से यहाँ 5 भी जुड़ा है, तो ये देखो 5 भी विपरीत नहीं होगा, अब देखो बचा क्या हमारे पास, देखो एक तो 2 बचा और 6 बचा, तो देखो 2 या 6 दोनों में से कोई एक विपरीत होगा, तो यहाँ देखो 3 का विपरीत क्या होगा, देखो 3 का जो विपरीत होगा वो होगा देखो 2 होगा या फिर 6 होगा, तो देखो कहाँ पर दिया है 2 या 6, तो ये दिया है देखो 2 या 6, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, 2 या 6 में से कोई एक विपरीत होगा इसकी। तो चलिए आगे आ जाते हैं, देखो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका डाइस का, तो देखो यहाँ अगला कॉन्सेप्ट दिया है, देखो कोई भी सतह समान नहीं पासे पर प्रश्न, यानी क्वेश्चन ऑन नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी एक भी सतह यहाँ पे समान नहीं हो, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ डाइस पे नंबरिंग कर लेते हैं, देखो 1 2 5 और यहाँ पे लिखा देखो मैंने 3 4 6, तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो दिए गए पासों में 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अब देखो कॉमन है नहीं यहाँ, अब देखो 1 2 5 इधर कहीं नहीं है, देखो 1 2 5, अब कॉमन नहीं है तो रोटेट वाला रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि रोटेट के लिए हमें एक सतह कॉमन चाहिए 2 में, अब क्या करें हम, तो देखो सबसे पहले ये देखो ये साधारण पासा है या मानक पासा है, तो देखो 5 1 6, 5 और 2 7, 7 हो रहा है तो कैसा है, देखो ये साधारण पासा है, साधारण पासा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जुड़ी हुई सतह, क्या है ये जुड़ी हुई
जुड़ी हुई सतह का योग 7 हो तो साधारण पासा होता है। कैसा होता है? साधारण पासा होता है। तो यहाँ पे देखो ये एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा में देखो विपरीत कौन सा नहीं होगा, चार के पहले ये पता कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह सतह होंगी। अब देखो चार के विपरीत सतह पे क्या होगा ये पूछा है। अभी हम निकालते हैं कि चार के विपरीत कौन सा नहीं होगा। तो देखो इस चार के विपरीत चार तो होगा नहीं। अब देखो चार से जुड़ी हुई सतह, तो देखो इसमें तो चार है नहीं, यहाँ है चार। तो देखो चार से जुड़ी हुई सतह क्या है? तीन है। तो देखो यहाँ पे तीन इसके विपरीत नहीं होगा। चार से जुड़ी हुई सतह छह, देखो एक तो छह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जुड़ी हुई सतह कभी विपरीत नहीं होती। देखो जुड़ी हुई सतह विपरीत नहीं होती, विपरीत नहीं होती। तो देखो अब इसमें विपरीत क्या बचा? देखो एक बचा, दो बचा और पांच बचा। तो देखो यहाँ पे विपरीत क्या हो गया? देखो तो ये देखो चार के विपरीत क्या बचा? तो देखो चार के विपरीत क्या हो सकता है? देखो एक हो सकता है, या फिर देखो दो हो सकता है, या फिर देखो पांच हो सकता है। यानी इनमें से कोई एक होगा, एक दो पांच में से। तो देखो यहाँ दिया तीन चार छह नहीं है ये, देखो एक दो पांच ये दिया है। देखो तो एक दो पांच इनमें से ही कोई होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। तो चलिए आगे आ जाते हैं। देखो तो आगे हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए आगे दिया है देखो ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैं इस पे नंबरिंग ही लिख लेता हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो नंबरिंग ए बी सी डी के रूप में, देखो यहाँ पे बी लिखा, देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, देखो यहाँ पे ई लिख दिया, देखो यहाँ पे सी और यहाँ पर ए। तो देखो एक चीज आप जानते हो कि जुड़ी हुई सतह विपरीत नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? जुड़ी हुई सतह विपरीत नहीं होती है, विपरीत नहीं होंगी। तो देखो कौन सी विपरीत नहीं होगी? देखो ये इसके विपरीत नहीं होगी, ये इसके विपरीत नहीं होगी, ये देखो इससे जुड़ी है नहीं होगी, ये इससे जुड़ी है, तो ये जुड़ी हुई विपरीत नहीं होंगी। तो देखो विपरीत कौन सी होंगी इसमें? तो देखो एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में एक को छोड़कर अगली सतह ओपन डायस में विपरीत सतह होती है। तो एक सीधी रेखा में देखो कभी भी ऐसे मत देखना कि ये देखो यहाँ पे इस ई को छोड़ करके ऐसे एफ इसके विपरीत होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा नहीं है। सीधी रेखा का मतलब है कि देखो यहाँ से ऐसे या तो आएगा या फिर देखो ऐसे सीधी रेखा। तो ये देखो यहाँ पे बी है, तो देखो एक छोड़ दिया मैंने डी को, तो देखो बी के विपरीत क्या होगा? एफ। अब देखो इधर से डी देखूं तो ये डी है, देखो डी के लिए एफ छोड़ दिया, तो देखो डी के विपरीत क्या होगा यहाँ? ई। इस तरीके से अब देखो सी का देखूं तो ये देखो सी है, और देखो यहाँ सी के विपरीत ई को छोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ए। देखो इस तरीके से तो विपरीत यानी, तो देखो यहाँ पे देखो बी का विपरीत क्या बन गया? एफ।
देखो डी का विपरीत क्या बना है, देखो तो यहाँ डी का विपरीत है देखो ई, और देखो यहाँ पे सी का विपरीत क्या बना है, ए बना है, ठीक है, क्योंकि एक छोड़ के विपरीत बनाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है देखो डी के विपरीत क्या होगा, तो देखो डी के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे ई होगा, तो देखो ई कहाँ पर दिया है, तो ई दिया है देखो ऑप्शन नंबर डी में, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखो आगे आ जाते हैं हम, तो ये देखो आगे आपको दिया है देखो टेस्ट योर सेल्फ यानी स्वयं को जांचे, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, देखो मैं नंबरिंग इसकी लिख देता हूँ तो आप खुद करके देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है देखो 5, 4, 6, देखो यहाँ पे दिया है देखो 2, 1, 4, और यहाँ पे दिया है देखो 3, 6, 5, और देखो यहाँ लिख दिया देखो मैंने 4, 1, 5। अच्छा कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि जब वो खुद कर रहे थे तो दो दो डाइस ही थी और हमारे लिए देखो 4 डाइस बना दिए, तो देखो ये टफ नहीं है, चाहे 2 हो चाहे 4 हो होगा वैसे ही। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, देखो तो सबसे पहले देखो कैसा डाइस है ये, देखो ये तो देखो कहीं जुड़ी हुई सतह 7 हो रही है क्या, देखो 7 नहीं हो रही, देखो जुड़ी हुई सतह कहीं भी देखो नहीं हो रही है देखो 7। अब 7 नहीं हो रही है तो ये कैसा है, देखो साधारण तो है नहीं, कैसा पासा है ये, मानक पासा है, और मानक पासा मैं देखो विपरीत सतह का योग क्या होता है, देखो मानक पासे की बात करेंगे तो देखो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे हमें 3 का विपरीत बताना है, तो 3 का विपरीत कैसे निकलेगा, देखो 3 का विपरीत निकालना है तो 7 में से घटा लो, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस 3 यानी 4 हो गया, देखो 4 कहाँ पे दिया है हमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो देखो कितना आसान था। अच्छा अगर आप रोटेट करके निकालना है, चलो रोटेट करके भी बता देते हैं, तो देखो रोटेट करके कैसे निकलेगा इसमें, तो देखो हमें 3 का विपरीत निकालना है, तो पहले देखो 3 कहाँ है, तो देखो 3 दिया है यहाँ पे, अब देखो इसमें 3 और कहीं नहीं है। अच्छा 3 के साथ में देखो क्या है यहाँ पे, देखो 1 तो 6 दिया है, दूसरा 5 दिया है, तो देखो इनमें से 6 और 5 देखो इसमें तो है नहीं, देखो इसमें 6 और 5 दोनों दिए हैं, देखो इसमें 5 दिए हैं, तो यानी देखो या तो इन दोनों डाइस से निकाल लो, इनसे निकल जाएगा क्योंकि इनमें 5 और 6 दोनों कॉमन है, तो देखो क्या करें, 5 से 5 काट दिया देखो मैंने, 6 से 6 काट दिया, तो क्या बचा देखो 4 के विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया, देखो तो यहाँ पे देखो 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3 एक ही बात है, तो सीधे निकल आया। अच्छा देखो काट के नहीं निकालना, रोटेट करके निकालना है, तो चलो रोटेट करके निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ भी 5, कॉमन सतह हो गई, देखो यहाँ से देखो क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पे आ गया देखो 6 पे, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया देखो 1 पे आ गया, तो देखो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या बना यहाँ पे, देखो क्लॉकवाइज घुमाने से देखो 6 का विपरीत 1 हो गया, अब देखो यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो किस पे आ गए, 3 पे, तो यहाँ पे देखो 3 का विपरीत क्या होगा, अब देखो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया था तो 3 पे आए थे, तो ऐसे ही यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आ गया 4, तो 1 के बाद 4 आ गया, देखो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो गया 4, तो देखो मैंने तीनों तरीके से निकाल दिया, देखो कॉमन को काट के भी निकाल दिया, देखो रोटेट करके भी निकाल दिया, और देखो आपका मैंने यहाँ पे मानक पासे के हिसाब से 7 में से माइनस करके भी निकाल दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो देखिए ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डाइस की सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया बड़ी ही जो है आसानी से, तो
तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।